एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। और अब बात भारत माँ के लाल की, बात अनिल सिंह तोमर की शहादत की, जिन्होंने सरहद पर देश की रक्षा करते करते अपने प्राण न्योछावर कर दिए। अनिल सिंह की शहादत पर पूरा मेरठ गम सदा है। जब कड़ाके की सर्दी में हम अपने घरों में बड़े दिन की छुट्टियां मना रहे थे, तब अनिल सिंह तोमर कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों से लड़ रहे थे। इसी दौरान दुश्मन की गोली अनिल तोमर को जख्मी कर गई, लेकिन अनिल लड़ते रहे और बाद में इलाज के दौरान वो वीर गति को प्राप्त हो गए। अनिल तोमर की शहादत के बाद से ही उनके घर में मातम पसरा हुआ है और लोग भीगी आंखों से उन्हें याद कर रहे हैं। ये माँ भारती के वीर सपूत की तस्वीर है, ये मेरठ के लाल की तस्वीर है, ये शहीद अनिल तोमर की तस्वीर है, जो दक्षिण कश्मीर के शोपिया में आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए, लेकिन दहशतगर्दों के नापाक मंसूबे नाकाम कर गए। अनिल की मौत से उनके परिजनों पर दुखों का ऐसा पहाड़ टूटा है कि उनकी रोती हुई चीखे कलेजे को भेद रही, उनकी आंखों में आंसुओं की धारा बह रही है और वो देखने वालों के दिलों को छलनी करते रही है। ये 18 तारीख में गया है, 25 तारीख को 8-9 बजे करीब बात हुई, 8 बजे करीब। अब किसने आपको ये सूचना दी? सूचना तो हमें वहाँ से मिली, एक लड़का इसके साथ का, यह खेड़ की साथ ही गया वो ड्यूटी पर, वो वहाँ उसमें हमले में भी साथ ही था। उसने अपने घर फोन करा, हमें नहीं बताई उनने, वहाँ से बात चलती चलती हम तक आए। परिवार के हर सदस्य का रो रो कर बुरा हाल है। अनिल अपने पीछे एक बेटी और एक बेटा छोड़ गए। किसी का फोन आया था, उन्होंने बताया था कि आप उन्हें देखने के लिए आ जाइए, तो फिर मम्मी को, मम्मी रोने लग गई, तब ऐसे पता चला। क्यों आया जी, बस इनको दिया, नहीं कोई नहीं आया, मैसेज की वगैरह भी कोई नहीं आया, नहीं कोई नहीं आया। क्या नाम है बेटा आपका? कुछ अपने पापा के बारे में बताओगे? आपसे पापा की फोन पे बात हुई थी? आखिरी बारी कब बात हुई थी फोन पे? अनिल की शहादत से पूरा मेरठ शहर ही गमजदा है। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि अनिल अब इस दुनिया में नहीं है। अभी 18 दिसंबर को ही तो वो एक महीने की छुट्टी के बाद ड्यूटी पर गए थे। किसने सोचा था कि अनिल की अगली खबर ऐसी मिलेगी? ये बताइए कि अनिल तोमर का कैसा नेचर था, क्योंकि आप लोग तो साथ खेले, बचपन से एक साथ रहे हैं, पढ़े भी एक साथ हैं, बड़े भी एक साथ हुए हैं और एक ही परिवार के हैं। किस तरीके का नेचर था, क्या आदतें थी, क्या एक्टिविटी थी? बताया जाता है कि बचपन से ही वो सेना में जाने की इच्छा रखते थे। हाँ, बचपन से ही सेना में जाने की इच्छा थी, लेकिन कभी उन्हें गुस्सा तो आता ही नहीं था। बहुत नरम और बहुत सरल स्वभाव के थे और दौड़ भाग में, क्रॉस कंट्री में थे, वहाँ बहुत मेहनती, ड्यूटी से आके अपना किसान का काम, खेती का काम करते थे। 25 दिसंबर को अनिल की आखिरी बार अपने पिताजी से बात हुई। तब अनिल ने पिता से कहा था कि सब ठीक है, बस सर्दी थोड़ी ज्यादा है। तब पिता को क्या मालूम था कि बेटी की आवाज वो फिर कभी नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि 26 दिसंबर को दक्षिण कश्मीर के शोपिया जिले के कनीगाम गांव में आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिली। दहशतगर्दों के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए एक गार्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों और सैनिकों की मुठभेड़ हुई। इसी मुठभेड़ के दौरान अनिल जख्मी हो गए, लेकिन जख्मी होने के बाद भी अनिल अपनी जान की परवाह किए बगैर आतंकियों से लड़ते रहे और फिर बाद में उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए उपचार के लिए श्रीनगर लाया गया, जहां पर इलाज के दौरान ही उन्होंने दम तोड़ दिया। अनिल भारतीय थल सेना की 44वीं राष्ट्रीय राइफल्स में बतौर घातक प्लाटून हवलदार के पद पर तैनात थे, जबकि उनकी मूल यूनिट 23 राजपूत थी। अनिल ने हमेशा देश के लिए कुछ करने का सपना देखा था, वो जब तक जिए देश के लिए जिए, लेकिन अब वो अपने पीछे कई कहानियां छोड़ गए
जिन्हें आने वाली पीढ़ियां जब भी सुनेंगी तो उनकी शहादत को सलाम करेंगी। मेरठ से बलराम पांडे, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, ज़ुबान आपकी।